व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जैज एफ एफ गेमर्स में। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी जिसका नाम है गलत फहमी। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एक वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियो को कीजिए शेयर, ताकि आपके भाई की वीडियो औरों तक भी पहुँच सके। और गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस। और सीमा, आज कॉलेज जा रही है कि नहीं, या फिर लास्ट ईयर में फेल होने का इरादा है? लगता है युवराज तो पागल हो गया है, फेल होंगी और वो भी मैं, हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, तू तो पढ़ंतु जो है छिपकली कहीं की। क्या बोला? एक मिनट रुक, गौरव का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ गौरव, बोलो। हाय सीमा, आज तुम कॉलेज नहीं गई क्या? तुम्हारे तो एग्जाम आ रहे हैं ना। गौरव, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो। सीमा, अभी तो मुझे थोड़ा काम है, पर अगले मंथ पक्का आऊंगा। आ ही जाना, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, नहीं आए तो सोच लेना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, मुझे याद है तुम्हारा बर्थडे, और इस बार तुम्हारे बर्थडे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। चलो ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाद में फ्री होकर कॉल करूंगा तुम्हें। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है फिर, बाय सीमा। हाँ ठीक है, बाय गौरव। ओहो, तो तुमने कर लिया तुम्हारे बीजी बॉयफ्रेंड से बात, क्या बोल रहा था वो? गौरव कह रहा था कि वो इस बार मेरे बर्थडे में जरूर आएगा। हाँ हाँ, वो तो हर बार कहता है अब आऊंगा तब आऊंगा, पर आज तक आया तो नहीं ना मैडम वो। यार वो काम में बिजी रहता है ना, इसलिए नहीं आ पाता, पर देख लेना इस बार पक्का आएगा वो। हाँ ठीक है, देख लेंगे, जब आएगा तब आएगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाय। हाँ ठीक है, बाय। यार सीमा, बहुत दिन हो गया अपन कहीं बाहर नहीं गए, मैं सोच रहा हूँ कि आज अपन कहीं घूमने चलते हैं, क्या बोलती है, चलेगी? हाँ युवराज, जरूर चलूंगी। चलो जल्दी चल के सीमा को सरप्राइज देता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। अरे हाँ, वो रही वो। ओए सीमा। अरे वाह गौरव, आप देखो युवराज गौरव आए हैं। अरे सीमा, आराम से यार। हाँ, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू गौरव, जो आप चले आए। इसमें थैंक यू की कौन सी बात है, मुझे भी मन करता है तुमसे मिलने का। अरे गौरव, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। हाँ यार, आ गया। गौरव ये है युवराज मेरा बेस्ट फ्रेंड, और युवराज ये है गौरव मेरे बॉयफ्रेंड। हाय ब्रो। हाय। खैर सीमा, ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ गौरव चलो। अरे सीमा, पर तुम अभी मेरे साथ कहीं बाहर जाने वाली थी ना। सॉरी यार युवराज, आज नहीं फिर कभी, चलो गौरव। हाँ सीमा चलो, आ जाओ, चलो चलते हैं, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ गौरव, आ रही हूँ। सीमा, अरे ओ सीमा। अरे लगता है कोई आया है, चल कर देखता हूँ। अरे भाई तुम, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाय गौरव भाई, सीमा कहाँ है? भाई वो तो अभी फ्रेश हो रही है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बैठो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। और गौरव भाई, तुम बड़े लंबे टाइम बाद आए हो यहाँ। हाँ भाई, वो थोड़ा काम में फंस गया था, वैसे सीमा और मैं अब शादी करने वाले हैं, तो यहीं सेटल हो जाऊंगा उसके बाद। हाँ भाई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाई जिस लड़की से तू शादी करने के बारे में सोच रहा है, पहले उस लड़की के बारे में जान तो ले कि वो तेरे लायक है कि नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब गौरव भाई, तुम तो जानते ही हो सीमा का नेचर कितनी फ्रेंडली है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारे शादी के बाद भी ये सब चलते रहेगा, तो फिर तुम एक बार सोच लो ऐसी लड़की से शादी करने से पहले। बस अब अगर तूने एक शब्द भी सीमा के बारे में यहाँ निकाला ना, तो यही कहीं ठोकूंगा तुझे। अरे क्या हो गया गौरव, सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? अरे हाँ सीमा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हारा जो ये दोस्त है ना, ये जोक बहुत अच्छी मारता है। हाँ गौरव, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। चल ठीक है सीमा, अभी मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहा है? हाँ सीमा, उसे जाने दो, उसे कोई काम होगा, है ना युवराज? हाँ सीमा, मुझे कुछ काम है, बाय। हाँ चल ठीक है यार, बाय। अच्छा सीमा सुनो ना, अपन कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है गौरव। यार जब से ये गौरव आया है ना, सीमा मुझसे दूर होते जा रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस बंदे का, वरना ये तो सीमा को उड़ा ले जाएगा। एक प्लान है मेरे पास, अब सबक सिखाता हूँ इसको। आज का मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना सीमा। हाँ
वो तो है गौरव, पर आप मुझसे कुछ बात कहने वाले थे ना, बताओ ना क्या बात है। सीमा, ये जो तुम्हारा फ्रेंड है ना युवराज, मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती यार। ऐसा कुछ नहीं है यार गौरव, कुछ दिन उसे साथ बिताओ वो तुम्हें ठीक लगने लगेगा, अभी तुम मुझे जानते ही कितना हो। हाँ ये भी हो सकता है सीमा, पर मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा यार कि उससे थोड़ी दूरियाँ बना के रखो। तुम ना पागल हो गए हो, कुछ भी बोलते हो। हाँ भाई युवराज बोल, क्यों बुलाया है मुझे तूने यहाँ? देख भाई जगत, तुझे एक लड़के की ताबड़तोड़ पिटाई करनी है, मैंने उसका फोटो तुझे भेज दिया है। उस लड़के का नाम गौरव है और वो फील्ड्स में रहता है, तुझे उसे इतना मारना है कि वो एक दो दिन तक तो उठ ना सके, समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया, समझ ले तेरा काम हो गया, चल निकल अब तू यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ, काम बस पूरा कर देना भाई। हाँ समझ ले हो गया तेरा काम। यार तुम, मैं कब से केक काटने के लिए तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ ना यार, और कितना टाइम लगाओगे? यार सीमा बहुत ज्यादा काम पड़ गया था, पर अब फिकर की बात नहीं है, काम खत्म हो गया पर आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा मुझे, थोड़ा सा देख लो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जल्दी से जल्दी आओ, मतलब आओ बस। हाँ ठीक है सीमा आ रहा हूँ यार। चलो मेरा काम तो पूरा खत्म हो गया, अब जल्दी से जल्दी चलता हूँ वरना सीमा बहुत गुस्सा करेगी, ना जाने बेचारी कितना देर से वेट कर रही है मेरा। अबे ओ हीरो रुक रुक, साले जाता कहाँ है रुक। अरे ओ भाई पैदल आदमी से क्या लिफ्ट मांग रहा है, मुझे एक जरूरी काम पे जाना है, प्लीज यार मुझे जाने दे, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाना है। इतनी क्या जल्दबाजी है तुझे, थोड़ा मार तो खा ले, ये ले। इसका तो काम हो गया, हा। चलो अब मैं चलता हूँ, यहाँ बेवजह खड़े होकर टाइम पास नहीं करूँगा। पानी यार, अब तो गौरव ने हद ही कर दी है, मैं जब से फोन कर रही हूँ अब तो कॉल भी नहीं उठा रहा है। किसी जरूरी काम में बिजी होगा सीमा, वैसे भी उसका काम तो ज्यादा जरूरी है तुमसे, तो काम पे ही ध्यान देगा ना, क्यों आएगा तुम्हारे बर्थडे के लिए? बर्थडे का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, पर काम तो आज ही होगा ना। खैर छोड़ो जाने दो उसे, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, उदास मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो अपन केक काटते हैं। हाँ तुम कितने अच्छे हो युवराज, हमेशा मेरा साथ देते हो, और गौरव को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। खैर छोड़ो चलो केक काटते हैं। हाँ सीमा चलो। अरे सीमा जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ युवराज यही बताओ ना, गौरव को लेके मेरा मूड बहुत अपसेट है अभी। यार सीमा मैं तुम्हें गौरव के बारे में ही कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो जल्दी आ जाओ, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना प्यार करता है वो तुमसे। शुक्रिया मिस, आपने मेरी जान बचाई, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो वहाँ पड़े ही रह जाता। नहीं भाई वो तो मेरा फर्ज था, एक डॉक्टर होकर भी अगर मैं एक जख्मी का इलाज ना कर सकूं तो क्या मतलब मेरे डॉक्टर होने से। वो देखो सीमा, तुम्हारा गौरव किसी और लड़की के साथ गुच्छर्रे उड़ा रहा है, अब समझ आया ना तुम्हें क्यों नहीं आया था ये कल रात को तुमसे मिलने, क्योंकि इसका ध्यान तो इस लड़की के ऊपर है, ये दिन भर इस लड़की के साथ था इसलिए तुम्हारे बर्थडे तक को भूल गया और ना ही तुमसे मिलने आया। हाँ युवराज आज के बाद मैं गौरव से कभी बात नहीं करूंगी, आज से उसका और मेरा रिश्ता खत्म। चलिए ठीक है भाई, अब मुझे काफी देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है बहन, तुम भी अपना ध्यान रखना, और मदद करने के लिए एक बार फिर से दिल से शुक्रिया है तुमको। आखिर मेरी गलती क्या थी जो गौरव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्यों क्यों गौरव क्यों? अरे यार सीमा ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, आखिर क्यों तू उस बेवफा के लिए रो रही है, क्यों उदास हो रही है तू, भूल जा उसे, चल अंदर चल, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ यार युवराज एक तू ही तो है मेरे साथ। हाँ तो फिर चल घर के अंदर, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चल अभी। सीमा देख यार, गौरव ने जिंदगी भर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया है, वो तेरे से ज़्यादा जरूरी अपने काम को समझता है, तेरे बर्थडे के दिन भी उसने सिर्फ काम को चुना और उसके बाद वो उस लड़की के साथ चला गया, तो आखिर क्यों तू उसके साथ है यार, छोड़ दे उसे, भूल जा उसे। नहीं यार युवराज जो भी हो मैं उससे प्यार करती हूँ, आखिर कैसे कैसे मैं उसे भूल जाऊँ, मैं नहीं भूल सकती यार उससे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ओहो अभी तक तो सीमा मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी,
पर यार मैं कर भी क्या सकता था। खैर जो भी हो, अभी मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ और सीमा को कल क्या हुआ था वो सब बताता हूँ। मुझे पूरा यकीन है ये सब सुनकर वो अपना गुस्सा भूल जाएगी। यार सीमा तू पागल है क्या? वो तुझे चीट कर रहा है और तू बोलती है कि तू उससे प्यार करती है। दिमाग है कि नहीं तेरे पास? भूल जा उसे, वो धोखेबाज है। नहीं युवराज, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं भुला सकती यार। यार सीमा कितनी बड़ी पागल है तू, जिसके पास तेरा टाइम नहीं तू उससे प्यार करती है, और मैं जो दिन रात तेरे पास रहता हूँ मेरे लिए कभी प्यार नहीं आया तुझे। मैं तुझसे उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, हर कुछ किया मैंने तेरे लिए। ये क्या बोल रहे हो यार युवराज तुम? हाँ तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा था कल रात को तेरे बर्थडे में, पर मैंने ही आदमी भेज के उसकी जबरदस्त पिटाई करवाई। बेहोश होके पड़ा था रोड पे, पर ना जाने कहाँ से वो डॉक्टरनी आ गई और उसने उसे बचा लिया। वो जो लड़की जिसे तू अभी देख के आ रही है ना, वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी एक डॉक्टरनी है। मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ जाल बिछाया ताकि तुझे उससे अलग कर सकूं, पर तू अभी भी उसके गुण गा रही है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तुम्हें पहचानने में। गौरव ठीक ही कहता था कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। ओह तो ये बात है, अब बताता हूँ इसे। अरे गौरव आप, अच्छा हुआ गौरव जो आप आ गए, ये बहुत बुरा आदमी है गौरव। हाँ सीमा, मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था दूर रहो इससे, दोस्त के रूप में भेड़िया है साला। मैंने तो इसे पहली नज़रों में ही पहचान लिया था। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। अगर दोबारा तू सीमा के आसपास भी दिखा ना बे, तो इतनी मार मारूंगा कि अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाएगा। चल भाग यहाँ से, अब कभी दोबारा मुझे नज़र मत आ जाइयो बस, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरी क्या अंजाम करूँगा। चल निकल जाए यहाँ से मेरी नज़रों से। देख लिया ना सीमा, और बना लो बेस्ट फ्रेंड, देख लिया अंजाम, मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे माफ कर दो गौरव, ये सब मेरी गलत फहमियों की वजह से हुआ है। चलो कोई नहीं, भूल जाओ उसे, अंध भला तो सब भला। सो गाइस होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो बनाने के लिए सच में आपका भाई बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता है गाइस, 4-5 घंटे लगाता है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाइस आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।